so hello everyone this is akshay here and let us uh, continue our next question on the dfs that is in the graph section so we need to find the string in the grid so before moving ahead if you find this channel please like share and subscribe and hit the bell icon to get the regular updates take care so ask us a question here one sec so we have been given a 2d matrix of n cross m characters

तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था सबसे पहले देखो यार ये कोई नॉर्मल है नहीं इटरेटिव है नहीं कि से से एक लगसे ए पे थे बी पे गए देन ए पे चले गए राइट क्योंकि देखो बी के बाद हमें ई पे जाना था राइट तो इसका मतलब है यार कि अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में निकल चुके हैं आगे तो हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम वापस से उस पिछले पे वापस और दूसरे डायरेक्शन को एक्सप्लोर करें राइट तो जब ऐसा कोई केस होता है कि ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन है राइट तो मैं क्या किया मैं एक नोड आगे बढ़ा अब को तो पता नहीं कौन सा क्या, कौन सा डेस्टिनेशन नोट प्रेजेंट है तो मैं फिर से आगे बढ़ गया राइट और यहाँ मेरे कि आगे नोड्स खत्म हो गए आउट ऑफ बाउंड चला गया मैं तो मेरे को वापस आना पड़ेगा राइट right, नो यहां मेरे को वापस आना पड़ेगा राइट right? ये जो वापस आने वाला जो प्रिविलेज हमें मिल रहा है राइट right? ये हम रिकर्सिव स्टैक्स से रिकर्सिव स्टैक्स से हम अवेल कर पाते हैं राइट right? और इस तरह के ट्रावर्सल को हम लोग कहते हैं डीएफएस बेस्ड ट्रैवर्सल राइट right? रिकर्सिव तो स्टैक में ये सारे पाथ स्टोर होते हुए जाते हैं जैसे ही मेरे को आगे कोई पाथ गलत मिल जाता है तो मैं उस रिकर्सिव स्टैक का यूज करता हूं और मैं वापस आ जाता हूँ अपने प्रीवियस पाथ पे अब मैं यहां देखूंगा कि okay, मेरे पास दो रास्ते यहाँ से और अवेलेबल है ये दो तो मैंने, मैंने देखा ही नहीं था राइट right? तो ये करना चाहिएगा लज से कि ये इधर ट्रेवल्स कर जाता है राइट right? फिर देखिएगा कि अच्छा अभी अभी तक डेस्टिनेशन नहीं आया मेरा और सोर्स नोट भी खत्म हो गया देन अगेन रिकर्सिव स्टैक यहाँ पे हेल्प करेगा इसको ये बोलिएगा ठीक है ट्रैक बैक करो तुम ट्रैक बैक करो राइट ये यहाँ पे इस पोजिशन पे वापस आ गया अभी देखिए अवेलेबल तो देखिएगा हाँ, सारे विजिटेड हो चुके हैं एक एक करके बट ये नोट अभी नहीं है, तो ये मेरा डेस्टिनेशन नोट है इसको ठीक है अभी आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है राइट right? मैंने छोटे में समझाया आपको बट आपको ये फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैंने डी एफ एस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है ग्ला प्लेस में आप उसे जरूर देखो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा करेक्ट ठीक है तो हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है लाइक वी नीड टू स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम फॉर ईच एंड एवरी सेल सबसे पहले तो सो दिस सो यहां पे जो सारे ईच एंड एवरी सेल वुड बी आवर सोर्स राइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो यहां पर ये सोर्स अगर हमें डेस्टिनेशन पहुंचना है मतलब ए बी ई कवर करना राइट और मैं क्या सारे डायरेक्शन मूव कर सकता हूं राइट तो देखो लेथ से मैं मेरे को तो पता नहीं लेट्स से मैं ऊपर मूव कर जाता हूं देखूंगा अच्छा तो आउट ऑफ बाउंड आ गया तो मैं फिर पीछे आ जाऊंगा मैं अच्छा डायगेलिक मूव कर सकती है ये भी आउट ऑफ बाउंड है फिर पीछे आ जाऊंगा यहाँ भी मूव कर सकते थे आउट ऑफ बाउंड अगेन फिर पीछे आ जाओ ये भी आउट ऑफ बाउंड है फिर पीछे आ जाओ फिर मैं यहाँ चला जाऊंगा लत से बट मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी तो बोले अच्छा नहीं हमें तो बी चाहिए था मैं ए मिल गया तो हम गलत पुलिस में जा रहे थे वापस से बैक ट्रैक कर जाओ राइट अब मैं लेट से यहाँ चला जाता हूँ देखो बी मिल गया मेरे को

तो हम हाँ वो सारे सेल्फ सोर्स नोड होंगे जहां जहां पे हमारा सबसे पहला कैरेक्टर मैच कर जाए ए तो मतलब ये यहां पर प्रॉबलिटी यहां मिल सकता है और बाकी तो ए कहीं लिखे नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है तो मैं पे देखो तो ठीक है तो इस ए के लिए क्या सिर्फ यही एक पॉसिबल आंसर था और कोई पॉसिबल आंसर नहीं था कि यार हो सकता था ये ए था नेक्स्ट करेक्टिस इसको बी चाहिए था ये यहां आ सकता था एंड देन ये यहां जा सकता था राइट तो टू पॉसिबल वेज थे जीरो कॉमर जीरो के लिए ठीक है अब बताओ जरा इस इस ए के लिए कितने सारे पॉसिबल वेज हैं ये ए भी यहाँ जा सकता है फिर यहाँ आ जाता राइट एक वे ऐसा हो गया एंड देन ये क्या कर सकता था ये इस तरफ चला जाए और फिर यहाँ आ जाए दो वे तो मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं राइट हमें बस दिखाना है कि आंसर पॉसिबल है या नहीं राइट वैसे बहुत सारे वेज हो सकते हैं मेरे को एक और दिख रहा है कि ये पीछे की तरफ चला जाता जा और यहाँ आ जाता ये भी एक पॉसिबल वे था राइट और ये कर सकता था ये इस बी पे चला जाए एंड देन इधर आ जाए ये भी एक पॉसिबल हुए तो बहुत सारे पॉसिबल वेज दिख रहे हैं बट हमें बताना है कि कोई भी एक ऐसा वे जहां पे पॉसिबल है और उसमें हम उसको प्रिंट कर देना राइट right? तो ये ए भी हमारा आंसर गिवेन है इंडेक्स एंड सिमिलरली ये वाला भी यू कैन क्लियरली सी कि ये राइट right जाके वापस डायगेली लेफ्ट जा सकता है राइट right? तो ये भी एक आंसर है तो ये इसका इंडेक्स क्या हो गया वन कॉमर जीरो राइट एंड दैट इज वॉट इट इज गिवेन राइट इन टेस्ट केसेस ठीक है

तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस वन कॉमा जे फिर ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस वन राइट जो मैंने वही सराउंड वन में सिखाया था यार आपको इसी तरह से बाकी कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लो ये क्या हो जाएगा आई ऊपर गए रो राइट एंड जे प्लस वन ये हो जाएगा देन सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा अगेन रो अबव दिस इंडेक्स तो आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन राइट तो इसी को हम डीएस में स्टोर कर लेंगे डीएस में क्या कर लेंगे देखो यहाँ पे क्या माइनस वन है तो माइनस वन लिख दो यहाँ पे एंड देन व्हाट वी हैव वट वीव दगेन माइनस वन इट इज अगेन माइनस वन इसके कोरोस्पॉ डी वाई क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा क्या माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन सिमिलरली ये मैंने तीन पॉइंट्स लिखा है इसके और भी पॉइंट्स होंगे एक यहाँ होगा एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ कुल मिला के एट राइट तो बाकी पांच पॉइंट्स के लिए आप खुद से लिख लेना अगर आप नहीं लिख पा रहे हो लेट्स से तो सराउंड द वंस करके क्वेश्चन था जो हमने डे बिफोर यस्टरडे में कवर किया था आप उसको देख लेना मैंने वहां समझाया राइट कैसे लिखते हैं

Same as the first character of the word that is to be searched in that grid, right? Then what we need to do that we need to move in all the eight directions. And just direction I may answer, name will We will back and then we will check other path, right? That is purely DFS. Great. I have tried to give you enough intuition that how a DFS works. But still, again, again, I am repeating. If you are not able to understand it, please visit that graph playlist of the DFS algorithm. And you, I, and I guarantee, not guarantee. I, I hope you will be able to get a good understanding so we have a for loop here to just iterate in all these eight directions right we have passed the current coordinates that is i comma j where we are actually present right let's say index 0 comma 0 present and then we have passed this particular array right the first the first uh, direction in which that particular i and j has to move okay, okay so if agree dfs call true return then we need then we will say that

मैं जब इस पॉइंट पे था और मैं जब ऊपर की तरफ लेट से मूव किया था तो ये पॉइंट कौन सा है आउट ऑफ बाउंड का पॉइंट है कोई एलिमेंट ही नहीं है वहां पे सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एंड वाई शुड बी इन बाउंड लाइक एंड लेस एंड कॉलम इंडेक्स 0 एंड लेस द कॉलम लेंथ राइट देन नाउ यू आल्सो नीड टू चेक कि जब आप जिस पॉइंट पर हो अभी राइट लेट्स से आप इस ए पर हो यूर एट दिस पॉइंट

और यहीं पर मेंटेन होगा राइट जो मैंने कहा था कि लेट से यू हैव मूव इन दिस डायरेक्शन दिस एग्जाम्पल राइट गलत डायरेक्शन अगर आपने पीछे वाले नोड से कोई पाथ ले लो लाइक like इस नोट से आप पाथ लेते राइट इस वाले से, सेटिंग हियर बाय यूजिंग द डी एफ कंपाइल एंड रन फॉर दिस कोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो लाइक बिगनर्स हैं यार जो uh, अचानक से क्वेश्चन देख रहे हैं विदाउट डूइंग द ग्राफ तो उनको बहुत दिक्कत हुई, हुई बात समझने में जो मैंने बोला अभी बट ये डू नॉट वरी हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरे रिकर्जन का पहला लेक्चर देख लो आपको समझ में आ जाएगा फ्लो कैसे काम कर रहा है एंड देन मस्ट विजिट दी सेकेंड वीडियो ऑफ माई ग्राफ के लिए जहां पर मैंने पूरे अच्छे से डी एफ एस को लाइक पूरा ओपन करके दिखाया राइट ठीक है ये कोर्ट सबमिट हो गया बट वी आर स्टिल हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज नहीं की तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो अगर आप ड्राई रन समझ गए थे राइट कि कैसे-कैसे एक्चुअली -कैसे, में इंटरनल चीज हैंडल हो रही है तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गेस कर पाओगे और डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यार दैट वी आर विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड तो उसकी वी प्लस ई हो जाती ई e हो जाती राइट बट व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स हियर नंबर ऑफ सेल्स राइट तो यहां पे n क्रॉस m सेल्स है करेक्ट बट यहां पे क्या हम एक एडिशनल टास्क भी ये कर रहे हैं कि

राइट right? यहां पर भी बी हटा के इसको सी कर देते हैं आपको कहीं भी नहीं मिला और आप लास्ट में आपने ट्राई किया कि राइट चल के देखते हैं ठीक है तो आपने इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कितने इस्तेमाल कर लिए कितना डायरेक्शन मूव कर लिया आप एट ठीक है चलो अब बी पे आ गए बी हमें मिल गया बी के बाद हमें ई खोजना है राइट और लेट से ई यहाँ पे प्रेजेंट था और कहीं प्रेजेंट नहीं है बट आपने क्या किया आपने सारे डायरेक्शन ट्राई कर लिए इन द वर्स्ट केस एंड द लास्ट डायरेक्शन जो आपने ट्राई किया था वो लेट से ये वाला डायरेक्शन था ठीक है ठीक है लास्ट डायरेक्शन लट से आपने ये वाला ट्राई किया था एंड तो यहां तक से पहले सिंस यू हैव ईच डायरेक्शन आपने कितने डायरेक्शन ट्रेवल्स कर ली एट डायरेक्शन अगेन राइट तो मैं क्या कह सकता हूं यार कि हर एक वर्ड को खोजने के लिए राइट द वर्स्ट केस वुड बी दैट यू विल बी गेटिंग एट टू द द्वॉइंट बाई इटरेशन

so i hope you were able, able to get a good understanding and what is the space complexity space complexity will be also be o of n cross m dfs may be just space complexity वो v plus e होती है क्यों होती है यार कि let's say सोर्स था और ये डेस्टिनेशन था बट इस डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले अगर आपने ड्राइवन पे ध्यान दिया होगा देन वी वुड वी हैव विजिटेड ऑल द नोट्स एक्सेप्ट दिस डेस्टिनेशन मतलब हम सबसे लास्ट में यहां पहुंचे थे राइट right? तो सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है यार कि एक स्क्यू स्क्यूट्री का जैसा कुछ ग्राफ हो हमारे पास

Uh, let's say suppose that each and every cell is giving you an answer right so since we have made an 2 d answer 2d array to return this uh, to return this answer because the data type was mentioned as 2d array so to be n cross m active, right so it would be 2 into n cross m but ignoring the constant it would be n cross m right i hope i were able to give you enough intuition and enough code enough uh, logic to solve this problem so yes let us meet again in the tomorrow's period week. so this question has been finally submitted and let me show the c process code as well Okay, so that's the C++ code. We have done the same, uh, the same uh, work we have done that we did in Java. So I don't think a walkthrough is needed. I'll just scroll it for you for your better understanding. And do not worry, you will get the uh, links of the source code mentioned in the DSA repository in my YouTube description. And that is it. Let us hit the submit button for this C++ code as well, and then we shall definitely end this video okay great so let us meet in the tomorrow streak of 300 yes we have achieved uh the day 300 so take care our journey all be worthwhile let us uh, keep learning keep growing and let us meet tomorrow till then bye bye